हेलो फ्रेंड्स, मैं बिन्नी कालरा। मेरे चैनल मदर डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ शकरकंदी की चाट। ये मेरी नवरात्रा स्पेशल रेसिपी है। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके सामने है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। शकरकंदी की चाट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये शकरकंदी को उबाल कर छील लिया है, और ये दो आलू भी लिए हैं, इनको भी उबाल कर छील लिया है। अब हम दोनों को काट लेंगे। ये नवरात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसी तरह बाकी शकरकंदी और बाकी आलू को काट लेंगे। ये हमने सारी शकरकंदी और सारे आलू काट लिए हैं। ये हमने कढ़ाई में तेल गरम किया है। अब हम इसमें आलू जो हमने काट के रखे हुए थे वो आलू फ्राई करेंगे। इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। बीच बीच में हिलाते रहेंगे। ये हमारे आलू क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब हम इसमें शकरकंदी डालकर फ्राई करेंगे। ये हमारी शकरकंदी क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें फ्राई किए हुए आलू डालेंगे, फ्राई की हुई शकरकंदी डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे। आप इसमें सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो। हरी मिर्च डालेंगे, धनिया की चटनी डालेंगे, सौंठ ऐड करेंगे। चटनी की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। भुना जीरा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। नींबू का रस डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर ये अदरक डाल के इसको सर्व करेंगे। अगर आपके पास धनिया है तो धनिया भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। एंजॉय, बाय बाय।